अरे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की सेकंड न्यू वीडियो में। आज मैं आपको 3 फीट की सरस्वती की मूर्ति का स्ट्रक्चर और मूर्ति को बांध कर दिखाऊंगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने पट्टिया लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 19 इंच है। पट्टिये पर मैंने दोनों रिब को पहले ही ठोक लिया था। दोनों रिब को मैंने 6 इंच के डिस्टेंस पर लगाया है। दोनों लकड़ी की लंबाई 16-16 इंच है। इसके बाद मैंने 2 लकड़ियाँ को और ले लिया है, इनकी लंबाई 11 इंच है, और 2 कॉलम और ले लिए हैं, इनकी लंबाई 9-9 इंच है। अब मैंने 4 कील ले ली है। इन 4 कील को हम एक एक कॉलम पर लगाएंगे। 11 इंच के कॉलम को हम पीछे लगाएंगे और 9 इंच के कॉलम को हम आगे लगाएंगे। तो कॉलम को फिक्स करने के लिए मैंने फटाफट से इन 4 कॉलम में एक एक कील को लगा दिया है। एक 9 इंच के कॉलम को पहले ही लगा दिया है और एक और 9 इंच के कॉलम को लगा रहा हूँ। तो फाइनली 9 इंच के दोनों कॉलम को लगा दिया है। अब 11 इंच के कॉलम को लगा रहा हूँ। 11 इंच के कॉलम को हमने पीछे वाली रीप के 1 इंच अंदर लगाया है और ये दूसरे वाले 11 इंच के कॉलम को भी हम लगा रहे हैं। फाइनली हमने 4 कॉलम को लगा दिया है। इसके बाद मैंने 19 इंच के बांस के टुकड़े को ले लिया था और इसे बीच में से फाड़ कर 2 टुकड़े कर लिए थे। एक टुकड़े को हम पीछे वाले कॉलम पर लगाएंगे। दूसरे बांस को मैं दोनों 9 इंच के कॉलम पर बांध रहा हूँ। उसके बाद मैंने 6 इंच की बांस की लकड़ी को काट लिया था और इसे मैं सुतली की मदद से इस पर बांध लेता हूँ। हमने 1.5 इंच के डिस्टेंस पर 12 बांस की लकड़ी को लगाना है। और फाइनली स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। स्ट्रक्चर को अभी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद मैंने घास को ले ली है। हम सरस्वती जी के दोनों पैरों को बांध लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैंने पैरों को किस प्रकार से बनाया है। हमने सरस्वती जी का एक पैर तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमें दूसरा वाला पैर भी बनाना है।
फाइनली मैंने दोनों पैरों को बांध लिया है। इसके बाद हम सरस्वती जी को स्ट्रक्चर पर नहीं बांधेंगे, इसके लिए मैंने एक 12 इंच की लकड़ी पर सरस्वती जी को बांधा है। इसे जब मैं पूरा बांध लूँगा फिर इस लकड़ी को हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम सरस्वती जी को स्ट्रक्चर पर लगा देंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैंने किस प्रकार बांध रहा हूँ। तो मैंने एक पैर को लगा दिया है, अब सेकंड पैर को लगा रहा हूँ। सरस्वती जी के ऊपर के हिस्से को बांध लिया है, अब मैं दोनों हाथों को बांध रहा हूँ। तो हाथ को मैंने बांध लिया है, अब इसे मैं मूर्ति पर लगा रहा हूँ। हमने एक हाथ को लगाया है, इसे हमें दोनों हाथों को बांधकर उसे लगा देना है।
आप देख सकते हैं इसके बाद मैंने एक बांस की लकड़ी को गर्दन की जगह पर हथौड़ी से अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसके बाद हम नीचे वाली लकड़ी को निकाल कर इसे साइड में रख देंगे। मैंने वीणा बनाने के लिए एक 22 इंच के पतले बांस को ले लिया है, तो इस पर मैं वीणा को बांधूंगा। तो फाइनली मैंने वीणा को बांध लिया है। इसके बाद मैं इसे भी साइड में रख दिया हूँ। अब हम हंस को बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं मैंने हंस को कितने अच्छे से बांध लिया है। ऐसे हमें दो हंस बनाना है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पर सरस्वती जी को लगाएंगे। इसे हम अच्छे से स्ट्रक्चर पर फिक्स करके सुतली से अच्छे से बांध देना है। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर पर वीणा को लगा रहा हूँ। वीणा को लगाने के बाद हमने मूर्ति के बेस में दो होल पहले ही कर लिए थे और हमने हंस के बीच में एक बांस की स्टिक को लगा दिया है। हमें हंस को अच्छे से स्ट्रक्चर पर फिक्स कर देना है। ऐसे ही मैंने दोनों हंस को फिक्स कर दिया है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।